Fugir por um carro e acabou. He says, I want to know only one thing among you, and that is that you all, as God's people, need to go in the way of the cross in your life. आप विश्वास करने के द्वारा आप विश्वासी बन गए हैं, परमेश्वर की जन बन गए हैं, आपको इस क्रूस की मार्ग में होकर जाना अनिवार्य है। This is what he desired to know among them. और यही बात उन लोग जाने के लिए पौलुस ने ठान लिया है। A people who walk in the way of the cross in their daily lives. जो आप लोग ऐसी बन जाएं, आपकी दैनिक जीवन में आप क्रूस की मार्ग पर चलते रहो। Oh, listen, people of God, very clearly. और इस कारण ध्यान से सुनिए, बड़ी सुस्पष्टता से। Today, cross is a forgotten thing for many people. और बहुत लोगों का जो क्रूस जो है, वो भुला हुआ एक सच्चाई। For many people, cross is merely an emblem of suffering. और कुछ लोगों का क्रूस जो है केवल कष्ट झेलने का चिन्ह है। There are some who tie it around their neck. और कुछ लोग जो है और अपने गले में उसे क्रूस को लटका दिया। Some of them raise it up before their buildings. और कुछ लोग अपने भवन के सामने या अपने जंगल के सामने बड़ा क्रूस के निशान रख देते हैं। But we see that today majority of Christendom has forgotten the way of the cross in their lives. परंतु जो मसीह का जो बहुतायत है आज की वातावरण में, उन लोग वो क्रूस की मार्ग को भूल चुके हैं। क्रूस की मार्ग को भूल चुके हैं। They have forgotten the way of the cross. और वो क्रूस का मार्ग को भूल चुका है। And I want to declare one thing to us this night. मैं आज रात का आपको एक बात घोषणा करता हूँ। If you want your life to be brought in order to the divine order of God, यदि आप अपना जीवन परमेश्वर की नियमानुसार उस स्तर का जीवन में अनुसार लाना चाहता है, If you want to bring your destructive life, your life which is in disorder, into the divine order, that can only be done through the working of the cross in your life. यदि there is no other way. आपका ये कपटीपन की जीवन या धोखेपन की जीवन, Amen. जो अनुशासनहीनता की जीवन, अनियमितता का जीवन, परमेश्वर की सिद्ध और पवित्र नियम के अनुसार और परिवर्तन होना चाहते हैं, तो उसकी उपाय एक ही है, क्रूस की जो भाग जो है, क्रूस जो है, आपकी जीवन में प्रतिदिन व्यवहार करते रहना। Yeah, the way of the cross is the instrument, is the way that I can be brought in line with God's divine order in my individual life. प्यारे लोगों, there is no other way, beloved. प्यारे लोगों, मेरे व्यक्तिगत जीवन में इसको छोड़कर कोई दूसरा उपाय या दूसरा मार्ग, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि मेरा जीवन को परमेश्वर के नियमानुसार मेरे जीवन होने के लिए चाहता है, तो ये क्रूस की मार्ग को छोड़कर कोई दूसरा मार्ग, दूसरा उपाय, दूसरा रास्ता है नहीं। My relationship is not right with someone. If you are concerned about your relationships, I want to tell you, there is no other way but the way of the cross. और प्यारे लोगों, no यदि मेरा संबंध किसी दूसरे विश्वासी के साथ सही नहीं हो और यदि मैं चाहता हूँ वह संबंध सही बन जाए, तो ये सही होने का एक ही उपाय है, मैं उस क्रूस की मार्ग पर जाना है। That is the only way, beloved. और वो एक ही मार्ग है। The apostle Paul's yearning and desire and burden for the Corinthian believers who were divided, who were fighting, living in immorality, was that he desired to know only one thing, that they all take up the cross in their lives. और जो पौलुस परमेश्वर के दास, पौलुस प्रेरित के हृदय में जो पवित्र आत्मा की समस्त वरदानों से भरे हुए इस कुरिन्थियों के विश्वासियों की जीवन के विषय पर एक बड़ा दुख से भरा हुआ बोझ यही था, क्योंकि ये इतना वरदान प्राप्त करने के बावजूद भी उसके अंदर डाख, ईर्ष्या, फूट, जगड़े, रगड़े तथा नैतिकहीनता की जीवन प्राप्त करते ही उसका हृदय दुख से भरा हुआ इस कारण कहता है और उसका हृदय की यही बोझ है, इस कुरिन्थियों के कलीसिया का और क्रूस का काम होना चाहिए। Oh, beloved people of God, परमेश्वर के प्रिय लोग, are you serious with your own life? आपके जीवन के विषय पर क्या आप गंभीर? Or are you wanting to play church?
और या we want to have some kind of religious और या आप अपने जीवन में परमेश्वर की कलीसिया के नाम से कुछ खेल खिलवाड़ करना चाहते हैं we want to have some kind of church और हम किसी प्रकार की मंडली या कलीसिया पाना है we want to have some kind of religious activity during weekends और सप्ताह के पूरा पर भी कुछ धार्मिक के साथ But let me ask you, or are you really serious with the life which the Lord has placed within you? और या परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए अपने उद्देश्य पूरा होने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह का जीवन जो आपके अंदर डाला है उसके विषय पर क्या गंभीर है? God has a divine plan and purpose concerning you. और आपके विषय पर परमेश्वर का दैविक योजना, दैविक उद्देश्य है. And I want to tell you, beloved, it is only through the working of the cross, it is only by the way of the cross, we can be brought into the corrective lines of God's divine order even in these days. प्यारे लोगों, क्रूस की मार्ग के द्वारा ही, क्रूस की और व्यवहार के द्वारा ही, मेरे और आपका जीवन परमेश्वर की नियमानुसार परिवर्तन हो सकता है। Every human nature, every carnal nature of mine need to be taken to the cross, and it is through that working of the cross that those things I can get it all and be part of this divine order which God is building up in this very hour. प्यारे लोगों, इस घड़ी में जो परमेश्वर जो अपना दैविक नियम के अनुसार बना रहा है, इसमें मैं और आप भागी होना चाहता है तो मेरे और आपके जीवन में पाए जाने वाले हर प्रकार की मानव की स्वभाव को या शारीरिक स्वभाव को उस क्रूस पर ले आना है क्रूस को हमारे जीवन में व्यवहार करना है हम उस क्रूस के मार्ग पर हम जाना है It is Christ from above, it is God's hand from above that can really deliver us and save us from that which is natural, that which is carnal and that which is of the flesh man. जो शारीरिक मनुष्य जो प्राकृतिक मनुष्य जो संसारिक मनुष्य जो हमें पाए जाते हैं जो हमको अपने वश में रखकर अपने बंधन में रखता है इससे हम छुटकारा पाने का सुधर पाने का केवल परमेश्वर ही मसीह यीशु ही इस क्रूस के द्वारा ही हमारे जीवन से इस सारी बातों से हमको स्वतंत्र कर सकता है So may God help us to understand this way of the cross in our lives हमारे जीवन में इस क्रूस की मार्ग को पहचानने के लिए समझने के लिए परमेश्वर ने सहायता करें Now we have seen about the divine order और हमने परमेश्वर के नियम के विषय पर हमने We have seen that it is through the cross that we can be brought in line with God's divine order और ये क्रूस के द्वारा ही हम परमेश्वर के नियम के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तन ला सकता है And now we would like to share with us that the divine order brings the increase of Christ in our lives. हम ये बात बताना चाहते हैं। The purpose of the divine order is to bring the increase of Christ's life in each one of us. जो परमेश्वर का नियम का जो उद्देश्य हमारे जीवन में, तो हमें जो मसीह यीशु की जीवन जो है, वो बढ़े। The divine order which God has set up in the house of God. Is to bring the increase of the life of Christ in Amen. Each one of us. और जो मसीह कलीसिया में परमेश्वर अपने कलीसिया में जो अपना नियम ला रहा है उसका उद्देश्य यही है कि मसीह यीशु की जीवन हमें प्रतिदिन बढ़ते जाए You know, whenever God does something, He has got an objective in view always. जो परमेश्वर ने जो कुछ भी करना चाहता है वो हमेशा उसको पूरा करने के लिए एक तत्व का मार्ग And the objective in view concerning the divine order is that we all may increase in the life of Christ in the house of God. जो परमेश्वर इस कार्य करने का उद्देश्य यही है उसकी महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हमें मसीह यीशु की जीवन प्रतिदिन उन्नति करते जाए या बढ़ते जाए Everything that God has ordained as part of this heavenly order has got an end purpose or an end in view, and that end is that we all may mature and grow into that life in Christ Jesus. और जो इस स्वर्गीय परमेश्वर ने रखा हुआ इस स्वर्गीय जो बात जो है स्वर्गीय काम जो हमारे जीवन में कार्य करना चाह रहा है इसका उद्देश्य यही है कि मसीह यीशु की जीवन हमारे एक व्यक्ति में बहुत
से परिपूर्णता में सिद्धता तक पहुंचने समय तक बढ़ते जाएं. Any divine rule in the house of God, जो परमेश्वर की घर में जो परमेश्वर की किसी प्रकार की आदेश या or any divine principle of God, या परमेश्वर का नियम हो, or any governmental order of God in the house of God, परमेश्वर की घर के अंदर परमेश्वर की शासन की, or any position of leadership in the house of God, जो परमेश्वर की घर के अंदर जो अगुवाई की स्थानों पर जो पद है वो, all these things have been set by God as a divine order or heavenly order with one thing in view, and that is to produce an increase of life of Christ in all of us. और ये सारी इन सारी बातें परमेश्वर अपनी कलीसिया में एक ही उद्देश्य के साथ रखा है कि हम सब के सब मसीह यीशु की जीवन जो हम में है वो उन्नति करते बढ़ते जाए. Yeah, we all are here in this place. और हम इस स्थान पर हम सब के सब हैं. God has brought us all into this place. और परमेश्वर ने इस जगत पर लाया है. We come and we confront with God's divine order in the house of God. जो परमेश्वर की भवन में परमेश्वर के नियम के अनुसार हमारे जीवन में हो हमारे जीवन होने के हम आए. All this order, all these principles, and all these things are for one thing, and that one thing is that we all may increase into the life of the Lord Jesus Christ. और इस सारे नियम सारी बातों का मूल उद्देश्य एक ही उद्देश्य परमेश्वर का एक ही उद्देश्य यही है कि हम सब के सब उस जो जीवन यीशु मसीह में है उसमें हम बढ़ते जाएं. You know, we often see many, many problems in churches today. और इन दिनों में मंडलियों में अनेक समस्याओं को हम देखते हैं. You know, often people want to be in leadership and in position in many churches today. और कई मंडलियों में एकदम लोग जो है नेता बनना चाहता है, अगुवाई नहीं बनना चाहता है, परंतु नेता या दादा बनना चाहता है. You know, we see this in many, many places. और कई स्थानों पर हम इस बात को देखते हैं. People desire and aspire to be in places of leadership and position. और कई स्थानों के अंदर लोग इस मंडलियों के अंदर एक और एक नेता के रूप में या सच्चाई की खंभा है, सच्चाई का नेव भी है. And according to the truth of God, जो परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार, considering the truth and the pillar and the ground of the word of God, जो परमेश्वर की वचन की सच्चा स्थान या सच्चा नेव या सच्चा खंभा के अनुसार, you know, there is a way that one can desire for a place of responsibility and leadership in the house of God. इसके अनुसार परमेश्वर के भवन में एक उत्तरदायित्व का जगह को एक व्यक्ति और आकांक्षा रख सकता है. And that is, if you want or you desire that you could be in a place of responsibility. और यदि आप चाहते हो मैं परमेश्वर जो भवन बना रहा है इसमें कुछ जिम्मेवारी को मैं अपने कंधे पर ले लूं और उस जिम्मेवारी के साथ रहूं के अगर आप आग्रह करता है तो. And there is one thing that you can do. और आप एक काम कर सकता है. Desire for more of Christ within you. That's all I'm saying. जो मसीह यीशु आप में आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए आप कामना करो. Yeah, that is the only thing one could aspire for in life in order to be in a place of responsibility. जो अपने जीवन में और एक उत्तरदायित्व के स्थान में रहने के लिए एक व्यक्ति यही काम रख सकता है. Yeah. यही कामना और यही काम रख सकता है. If you have more of Christ in you, then the day will come. The Holy Spirit will look at you and say, separate for me so and so under the ministry I have called him into. जब परमेश्वर ने आपके जीवन में देखता है जो मसीह यीशु बहुतायत से आप में है, तब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया से बात करेगा. Yeah. जिस उत्तरदायित्व के लिए जिस काम के लिए मैंने इनको चाहता हूँ उस काम के निमित्त पड़ा पड़ा को अलग कर दो. But what do we see today? परंतु आज हम क्या देखते हैं? Everybody says, I am more of Christ. और कई लोग बोलते हैं मेरे पास मसीह यीशु ज्यादा है. I am more of Christ. मेरे पास बहुत ज्यादा. I have been in this church for last 20 years. और मैं इस कलीसिया के अंदर और 20 साल से विश्वासी. When this brother so and so came to the city, I was the first one who helped him to start the ministry. That doesn't qualify you for anything.
serving in the house of God, beloved. और कई लोग ये डिग मारते हैं जब ये भाई नौकरी की कारण आया था उस वक्त तू डर भी नहीं पाया था तब मैं इस कलीसिया की मेंबर था मैंने मसीह के प्रेम से इसको सहायता किया इस कारण मैं भी इस कलीसिया में एक नेता या दादा बनना है करने से कुछ काम नहीं होगा क्या ओ बेलोवर्ड द हाउस ऑफ गॉड इज द पिलर एंड द ग्राउंड ऑफ ट्रूथ प्यारे लोगो परमेश्वर का भवन जो है सच्चाई का खंभा और सच्चाई का नियम एंड द थिंग और द रूल दैट इज वेरी क्लियरली सीन इन द हाउस ऑफ गॉड इज द इंक्रीज ऑफ द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इन ऑल ऑफ अस जो परमेश्वर का नियम या परमेश्वर की जो आदेश जो है वो यही है कि हम परमेश्वर के भवन में यदि उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहता है तो उसकी योग्यता यही परमेश्वर को हमें देखना चाहता है कि हमें मसीह यीशु का बहुताय से बने रहे इट इज नॉट वन सीनियोरिटी It is not that one has been there instrumental in the beginning of the ministry. It is nothing of this sort. But if one genuinely desires to be one of responsibility in the house of God, it is marked by one thing, and that is that brother has got more of Christ within him. That's all. Yare logo, yadi parameshwar ki bhavan mein, yadi main aur aapko uttardayitva se bhare hue sthan ko praapt karna chahta hai to मैंने इस स्थान पर मंडली खड़ा होने के लिए मैंने पहले अकेला काम किया या मदद किया इस बातों में नहीं या और मैं सीनियर हूँ कहकर इस बातों पर नहीं कह रहे लोग परंतु हमें जो है मसीह यीशु की जीवन बहुत ऐसे रहना है Now when we all desire to grow on in Christ Jesus, जब हम मसीह यीशु में हम सबके सब उन्नति या बढ़ोतरी करना चाहें The Holy Spirit would see a brother with more measure of Christ within. और पवित्र आत्मा अपने आंखों से देखेगा एक भाई को जो जिसमें बहुत से मसीह यीशु भरा है एंड दैट ब्रदर विल बी कॉल्ड आउट इन रिस्पांसिबिलिटी और वो भाई को प्रभु ने उस उत्तरदायित्व को पद को बुला कर रखा ओह दिस इज द डिवाइन ऑर्डर इन द हाउस ऑफ गॉड बिलोवड पीपल जो परमेश्वर की भवन में ये प्रभु का नियम है प्यारे इट इज नॉट द पीपल हु इलेक्ट पीपल बाय वॉइस वोट और रेसिंग अप देयर हैंड्स इन सम इलेक्शन और ये दूसरे मार्ग नहीं है जो आजकल जो मंडलियों में हो रहा है वोट दे या तो हाथ ऊंचा करें या हाथ ऊंचा करने से तो चिल्लाए इस बातों के द्वारा नहीं दिस इज नॉट गॉड्स ऑर्डर ये परमेश्वर का नियम नहीं है इट इज रूल्ड बाय वन प्रिंसिपल व्हिच इज द इंक्रीज ऑफ क्राइस्ट इन ईच वन ऑफ अस और वो ये कि नियम के ऊपर आधारित है अर्थात हमें मसीह यीशु की बहुतायत की And we see that it was so in the early church. और हम इस प्राचीन काल की कलीसिया में इसी नियम को सिद्धांत को हम देखते हैं. You know, it is for all of us to aspire and desire for the life of Christ in us to grow in these days. यारे लोगों हमारे हृदय के अंदर इन दिनों में मसीह यीशु की जीवन बहुत ऐसे भरे रहने की हम सब के अंदर भरे रहने के लिए हम कामना करना. Every order, every principle, every government, every position and leadership in the house of God is with this one end in view. और प्यारे लोगों मसीह कलीसिया के अंदर या परमेश्वर की भवन के अंदर जो सेवकाई है जो अगुवाईपन है या कुछ नियम है या शासन के नियम है ये सब कुछ का उद्देश्य ये की है मसीह यीशु की बहुतायत की जीवन हम सब में बहुतायत से इन वन प्लेस और अभी निकट के समय पर एक जगह पर two brothers went to talk to a brother who has been rebellious with the house of God जो दो one place एक जगह पर दो भाई लोग गए हैं जो परमेश्वर की भवन का विरुद्ध बड़ा बलवा करने वाला उस भाई से बात करा so these two brothers from the house of God in leadership they went to meet him और जो अगुवे में हैं वे दोनों भाई लोग उस भाई से मिलकर उससे वार्तालाप करने के लिए बिकॉज हिज लाइफ वाज नॉट इन डिवाइन ऑर्डर क्योंकि जो बलवा करने वाला जो व्यक्ति था उसका जो जीवन जो है परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं सो एज दे वर टॉकिंग टू दिस ब्रदर जब वो भाई से वो वार्तालाप कर रहा था दिस ब्रदर बिगन टू से लाइक दिस और वो भाई बोलने लगा ही पुट हिज फिंगर टुवर्ड्स वन ऑफ द ब्रदर्स और उसमें से एक भाई के ऊपर उंगली लगाकर बोला एंड ही सेड लाइक दिस और ये कहा यू थिंक दैट यू आर अ बिग पर्सन और आप समझते हो आप बहुत बड़ा आदमी है यू थिंक दैट एवरीबॉडी हैज टू सबमिट टू यू और आप ये सोचते हो सबके सब के अधीन होना है
The other brother said, और दूसरा भाई ने बोला, brother, what you said is the truth. और दूसरा भाई ने बोला, जो आप जो कहा वो सही है. You, what you said is the truth. और जो आप कहा वो सच है. The other people in the house of God and other brothers are submitted to him because we know that he got more of the measure of Christ within him. और दूसरा भाई ने बोला है, जो